नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण पखवाड़ा के रूप में पूरे देश में मना रही है। सेवा और समर्पण पखवाड़ा के मौके पर नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पटना सिटी के भद्रघाट पर गंगा महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की मंगल कामना करने के साथ ही गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने का भी संकल्प दोहराया गया। राजधानी पटना में हो रहे तेज बारिश के कारण कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटा विलंब से शुरू हुआ। बारिश के रुकते ही भद्रघाट पर भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव, दीघा विधायक संजीव कुमार चौरसिया, कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा के अलावा पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू भी मौजूद थी। गंगा महाआरती कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा गया। बोलिए, 135 करोड़ भारतीयों की आशा और आकांक्षा के प्रतीक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई के जन्म उत्सव के अवसर पर पटना सिटी के भद्रघाट में नमामि गंगे भाजपा के द्वारा आयोजित गंगा की महाआरती में आए सभी समस्त श्रद्धालु, नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। लगभग कितने की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे? अभी संख्या तो मैंने असीमित थी, संख्या का गिनती नहीं, 2-4-5 हज़ार से ऊपर का बात है। असल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 20 दिनों का कार्यक्रम तय किया और इसी कार्यक्रम के आलोक में आज पटना में भद्रघाट पर आज गंगा आरती का आयोजन किया। काफ़ी अलौकिक दृश्य था और हम सबों ने ईश्वर से माननीय प्रधानमंत्री जी के लंबे जीवन की कामना की, माँ गंगे से प्रार्थना की और गंगा कैसे शुद्ध रहे इसके लिए एक संदेश भी देने का हम सबों ने कहा।